बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज़ अबाउट एसक्यूएल सब क्यूरीज। फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा कि हमारे पास जॉइंस क्या होते हैं। प्रीवियस वीक में हमने जॉइंस पढ़े कि जॉइंस होते क्या हैं और हमें कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है जॉइंस की। वहाँ पर हमने पढ़ा कि हम मल्टीपल टेबल्स से जब रिकॉर्ड को गेट करते हैं तो उसके हमारे पास क्या क्या वीज हैं। मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड को गेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक हमारे पास जॉइंस हैं और एक हमारे पास सब क्यूरीज हैं। जो प्रीवियस वीक है उसमें हमने जॉइंस देखे कि जॉइंस किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से दो टेबल्स से गेट करते हैं हम डेटा बाय यूजिंग जॉइंस। और इसी तरह से हमने आगे टाइप ऑफ जॉइंस पढ़ी। टाइप ऑफ जॉइंस में हमने जॉइन की डिफरेंट जो टाइप्स थी वो हमने पढ़ी कि आउटर जॉइन क्या होता है, आपके पास एक्यूट जॉइन क्या है, क्रॉस जॉइन क्या है, इनर जॉइन क्या है, जिसमें हम लोगों ने क्रॉस जॉइन देखा, नेचुरल जॉइन देखा और इनर जॉइन देखा। जो आपके पास क्रॉस जॉइन है वो जस्ट लाइक सिलेक्ट स्टेटमेंट है जो कि आपके पास सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको डिस्प्ले करवाने के लिए है। जो नेचुरल जॉइन है वो बेसिकली आपके पास दोनों टेबल्स में से जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं उनको रिमूव करके जो दोनों टेबल्स में कॉमन रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्प्ले करवाता है सिंगल टाइम। इसी तरह से जो इनर जॉइन है, अगर आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है दोनों टेबल से डाटा को गेट करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा टेबल से डाटा को गेट करने के लिए, तो उसके लिए हम इनर जॉइन में कंडीशन अप्लाई करते हैं बाई यूजिंग द वेयर क्लॉज। और दोनों में नेचुरल जॉइन में जो आपके पास दोनों टेबल्स में जो कॉमन फील्ड होती है वो भी डिस्प्ले होती है दो दफ़ा, और जबकि जो इनर जॉइन है उसमें अगर दोनों टेबल्स में आपके पास कोई कॉमन फील्ड है तो वो ओनली वंस डिस्प्ले होगी। फिर उसके बाद हमने आउटर जॉइन देखे। आउटर जॉइन हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं आउटर जॉइन की। एक फुल आउटर जॉइन होता है, एक आपके पास राइट आउटर जॉइन है और एक लेफ्ट आउटर जॉइन है। जो फुल आउटर जॉइन है वो बेसिकली दोनों टेबल्स से सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाता है और कॉमन रिकॉर्ड्स को भी। इन शॉर्ट कि इट्स जस्ट लाइक अ क्रॉस जॉइन जो कि कॉमन रिकॉर्ड भी और जो दोनों टेबल्स में से सारे रिकॉर्ड्स हैं उनको भी डिस्प्ले कराता है, बट ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले नहीं कराएगा। जो भी अगर दोनों में कॉमन रिकॉर्ड है उसको एट वंस डिस्प्ले कराएगा, जबकि जो क्रॉस जॉइन है वो आपके पास डुप्लीकेट डाटा को भी डिस्प्ले कराता है। इसी तरह से हमारे पास लेफ्ट जॉइन था। जो लेफ्ट जॉइन है वो बेसिकली आपके पास जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं दोनों टेबल्स में उनको डिस्प्ले करवाएगा, और जो लेफ्ट वाला टेबल है उसका सारा रिकॉर्ड, और जो राइट वाले टेबल का रिकॉर्ड है ऑब्वियसली वो तो सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड ही आएगा। जो ए, लेट सपोज ए और बी जे टेबल हैं उसको हम लेफ्ट जॉइन के थ्रू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो ए टेबल का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा और ए और बी में जो कॉमन रिकॉर्ड है सिर्फ वो डिस्प्ले होगा, तो बी के एंड पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड आएगा और जो बाकी स्पेसिस हैं वहाँ पे नल डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से जो आपके पास राइट जॉइन है उसमें आपके पास दोनों टेबल्स का कॉमन रिकॉर्ड प्लस राइट जॉइन का सारा, राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड, जैसे ए और बी टेबल हैं, ए राइट जॉइन बी हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो बी टेबल है उसका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा और जो ए और बी में से कॉमन रिकॉर्ड हैं सिर्फ ए वाले टेबल में सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जो कि बी वाले टेबल में भी कॉमन रिकॉर्ड है। इस तरह से ए वाले टेबल में जहाँ पर आपके पास जो रिकॉर्ड सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स हैं और बाकी जगह पे आपके पास नल डिस्प्ले हो गए हो जाएगा, सेम इज़ द केस विद लेफ्ट जॉइन। तो ये आपके पास जॉइन थे, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन, और इसको हम बेसिकली एक्यू जॉइन भी बोलते हैं जो कि कॉमन रिकॉर्ड्स को बेसिकली जो डिस्प्ले कराता है आउटर जॉइन, उसको हम एक्यू जॉइन भी बोलते हैं। एक्यू जॉइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बीच में जो उनका कॉमन रिकॉर्ड का पार्ट है वो डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है। ओके, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में तो देख लिया कि आपके पास जो है एक तरीका है कि आप जॉइंस के थ्रू जो दोनों दो टेबल्स हैं या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं उनसे आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो हमारे पास है कि सब क्यूरीज का। अब हम देखेंगे राइटिंग मल्टीपल राइट मल्टीपल टेबल एसक्यूएल क्यूरीज। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि मल्टीपल टेबल क्यूरीज हम किस तरह से लिखते हैं और उसमें हमने जॉइंस देखे। अब हमें सब क्यूरीज देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग सब क्यूरीज एंड गाइडलाइंस फॉर सब क्यूरीज एंड टाइप्स ऑफ सब क्यूरीज। ओके, लेट्स स्टार्ट।
Here is an introduction. Curing one table already done and practice, same is the case with the previous lecture कि हमने single table से query को, data को, record को get करना है, उसके ऊपर कोई condition apply करनी है, हमने वो चीज़ें देख ली हैं. Real power of relational database क्या है कि आपके पास multiple tables हैं. Basic जो relational database है उसका concept यही है कि multiple tables हैं और multiple tables linked हैं आपस में, और उस link की वजह से आप multiple table से record को fetch भी कर सकते हैं. तो हमने दो अप्रोचेज देखी थी कि मल्टीपल टेबल्स को अगर हमें प्रोसेस करना है और मल्टीपल टेबल्स हमने एट ए टाइम किसी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को गेट करना है, तो उसके दो तरीके हैं, एक सब क्यूरीज और एक जॉइंस. हमने जॉइंस पढ़ ली हैं, अभी हम सब क्यूरीज देखेंगे. प्रोसेसिंग, सबसे पहले प्रोसेसिंग मल्टीपल टेबल यूजिंग सब क्यूरीज. सब क्यूरीज है क्यूरी विद इन अ क्यूरी. बेसिकली सब क्यूरी क्या है कि आपकी एक क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है और उसके साथ ही पैरेलल में एक और क्यूरी उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रही है. दो क्यूरीज एट ए टाइम चल रही हैं, क्यूरी विद इन अ क्यूरी. सब क्यूरीज इनेबल यू टू राइट क्यूरीज डैट सेलेक्ट डाटा रोज फॉर क्राइटेरिया. डाटा एक्चुअली डिवेलप वाइल द क्यूरी इज एग्जीक्यूटिंग एट रन टाइम. ठीक है, अब सब क्यूरीज क्या करती है, बेसिकली आपके पास डाटा या रिकॉर्ड को फेच करती है एक क्यूरी रन करके. लेट सपोज सेलेक्ट वाली क्यूरी रन हो रही है और क्या हो रहा था, हो रहा होता है उसके साथ पैरेलल में एक और भी क्यूरी रन हो रही होती है, जैसे उसका कोई भी रिजल्ट आया है सेलेक्ट की स्टेटमेंट का, और उसके रिजल्ट की बेस पे हम कोई दूसरी क्यूरी एग्जीक्यूट कर देंगे. सब क्यूरी प्लेसिंग एन इनर क्यूरी सेलेक्ट स्टेटमेंट इनसाइड एंड आउटर क्यूरी. इनर क्यूरी प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ वन और मोर वैल्यूज फॉर आउटर क्यूरी. ठीक है, अब आपके पास दो क्यूरीज हैं, एक इनर क्यूरी है और एक आउटर क्यूरी है. क्यूरी विद इन अ क्यूरी, जो विद इन अ क्यूरी है डैट इज अ इनर क्यूरी, और जो क्यूरी है डैट इज एन आउटर क्यूरी. ठीक है, तो आपके पास जो इनर क्यूरी है वो बेसिकली दो मल्टीपल रिजल्ट्स आपके पास जनरेट करेगी फॉर आउटर क्यूरी. अब आपके पास दो बेसिक अप्रोचेस हैं कि आप मल्टीपल टेबल्स को कैसे प्रोसेस करते हैं. डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस अबाउट विच टेक्निक टू यूज. ज्वाइनिंग इज यूजफुल व्हेन डेटा फ्रॉम सेवरल टेबल्स आर टू बी रिट्रीव्ड एंड डिस्प्ले. सब क्यूरी व्हेन डेटा फ्रॉम टेबल इन आउटर क्यूरी आर टू बी डिस्प्लेड ओनली. दो तरीके हैं, एक जॉइंस और एक सब क्यूरी. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो ये टेक्निक है कि प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं कि आप किस तरह का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना चाहते हैं और किस तरह का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते. ज्वाइन अब वहाँ पर यूज़ करते हैं जब आप मल्टीपल टेबल से डेटा को रिट्रीव कराना चाहते हैं और डिस्प्ले कराना चाहते हैं. सब क्यूरी आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आप कुछ सिलेक्टिव रिकॉर्ड को सिर्फ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और जो साथ आप सब क्यूरी लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को फेच करने के लिए. अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे और फिर आपको पता चलेगा जो ज्वाइन है वो दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड और डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, जबकि जो आपके पास सब क्यूरी है वो आपके पास सिर्फ कोई एक क्यूरी आउटर है या क्यूरी है उसका सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड या डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए. ओके, यूजिंग अ सब क्यूरी सॉल्व अ प्रॉब्लम. मेन क्यूरी क्या है, फॉर एग्जांपल विच एम्प्लॉय हैव सैलरी ग्रेटर देन अली सैलरी. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो कि ग्रेटर देन अली सैलरी है हमें वो कैलकुलेट करनी है. इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, अली सैलरी. जब वो हमें नोन होगी तो उससे हम वो गेट कर सकते हैं उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो कि ग्रेटर देन अली सैलरी है. तो दिस इज़ अली सैलरी इज़ बेसिकली अ सब क्यूरी, और ये इनर क्यूरी होगी और ये आउटर क्यूरी होगी एम्प्लॉयज़ ग्रेटर देन अली सैलरी. जैसे ये आपके पास है सेलेक्ट, ये आउटर क्यूरी है फ्रॉम वेयर, वेयर में आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, और ये आपके पास इनर क्यूरी है सब क्यूरी है. और इनर क्यूरी एग्जीक्यूट वन बिफोर द मेन क्यूरी एग्जीक्यूट, कि ये सबसे पहले एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आपके पास मेन क्यूरी एग्जीक्यूट होगी. और जो रिजल्ट है सब क्यूरी का वो यूज़, ये जो इनर क्यूरी है इसका रिजल्ट यूज़ करेगी ये आउटर क्यूरी, और वो रिजल्ट डिस्प्ले होगा. जैसे ये देखें, पहले हमने कहना है कि सैलरी देखनी है कि अली की सैलरी क्या है, हमने वो गेट करनी है, और फिर हमने कहना है कि वो एम्प्लॉयज़ की नेम डिस्प्ले कराए जो कि जिनकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन अली सैलरी है. तो
तो हम सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम इक्वल टू अली। इसका मतलब है अब यहाँ पे हमने अली की क्या गेट कर ली है, सिलेक्ट की है सैलरी। अब वो कह रहे हैं सैलरी ग्रेटर हो किससे, अली की सैलरी से। तो यहाँ पर अब मुझे सारे वो एम्प्लॉयज़ के नेम आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें क्या सिलेक्ट आई है, सैलरी क्या आई है, 11,000 आई है। अब ये 11,000 यहाँ पर आएगी 11,000, और सैलरी ग्रेटर देन क्या होगी 11,000। अब वो सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 11,000 है, और 11,000 किसकी सैलरी है, अली की सैलरी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वैल्यूज़ क्या है। ये फर्स्ट क्यूरी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और फिर ये आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट। हमेशा आपकी बॉटम से क्यूरी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है सब क्यूरी। सबसे पहले जो सबसे लास्ट इनर क्यूरी है सब क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकेंड वाली, फिर थर्ड, एंड फिर लास्ट में आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। सब क्यूरी की डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास, मल्टीपल टाइप्स हैं सब क्यूरीज की, ठीक है। सब क्यूरीज डेट ऑपरेट ऑन लिस्ट बाय यूज ऑफ इन ऑपरेटर और विद अ कंपैरिजन ऑपरेटर। दीज सब क्यूरीज कैन रिटर्न अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज, बट द वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम द सिंगल कॉलम ऑफ टेबल। जो इन का ऑपरेटर है वो बेसिकली आपके पास मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है। तो अगर हम इन का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं सब क्यूरीज में, या फिर कोई कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, तो लेकिन जब हम इनका ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो वो सिंपल एक कॉलम से होनी चाहिए, सिंगल कॉलम से, मल्टीपल कॉलम से नहीं होनी चाहिए सब क्यूरीज में। जैसे कि आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, दीज सब क्यूरीज मस्ट रिटर्न ओनली ए सिंगल स्केलर वैल्यू, और जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर भी लगाएंगे उसकी भी सिंगल एक वैल्यू होनी चाहिए, ग्रेटर देन ओनली सिंगल वैल्यू। स्केलर वैल्यू का मतलब है ओनली एटॉमिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये है जैसे एक एग्जांपल है, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टी, ऑर्डर टी वेयर कस्टमर टी डॉट ऑर्डर की टी इक्वल टू कस्टमर डॉट ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी, एंड का ऑपरेटर लगाया। अब इधर हम लोग लगाते हैं एंड के ऑपरेटर की जगह सब क्यूरी, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टी वाले टेबल से वेयर कस्टमर आईडी। अब यहाँ मैं कह रही हूँ कस्टमर आईडी किसके इक्वल हो, ऑर्डर आईडी 10108 के इक्वल, तो उसकी जगह मैं एक सब क्यूरी लगा देती हूँ, सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर आईडी टी वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू 1008। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1008, और ये फिर क्यूरी बाहर वाली आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी जहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है 1008, उनका कस्टमर नेम डिस्प्ले करवा दो। सब क्यूरीज एंड द इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर देखते हैं हम किस तरह से यूज़ किया है। सब क्यूरीज डाटा इंट्रोड्यूस विद द कीवर्ड इन टेक द जनरल फॉर्म, वेयर एक्सप्रेशन में नॉट इन सब क्यूरी, तो ओनली डिफरेंस इज द यूज ऑफ इन ऑपरेटर विद सब क्यूरी इज दैट द लिस्ट डज नॉट कंटेन अ हार्ड कोडेड वैल्यू। इनमें आप हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं लिखेंगे। वैसे आप अगर इन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आप मल्टीपल वैल्यूज लिख लेते हैं खुद भी, और आप कहते हैं इनमें से कोई वैल्यू है तो डिस्प्ले कराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोई इन में जो है वो हार्ड कोड वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि आप इनमें क्या रखेंगे, एक कोई इनर क्यूरी सब क्यूरी लिखेंगे। एग्जाम्पल इसकी भी देखते हैं अभी, और जो आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जनरल फॉर्म ऑफ वेयर फॉर विद कंपैरिजन ऑपरेटर सिमिलर टू दैट यूज फॉर इन द टेक्स्ट, नोट दैट द सब क्यूरीज अगेन इंक्लोज बाय पैरेंथेसिस, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल देखते हैं, सब क्यूरीज एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। सब क्यूरी विद अ कंपैरिजन ऑपरेटर इज दैट सब क्यूरी कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाला कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए, एक तो इन ऑपरेटर के लिए ये कि टेक्स्ट वैल्यू नहीं लिखनी, हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं लिखनी आपने, आपने वैल्यूज गेट करनी है टेबल से, और दूसरा आपने ये कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं वो सिंगल एटॉमिक वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये दो मेन पॉइंट्स हैं इन ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये हमने लिखा है टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन कोर्स सीएससी 273, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जी वी आर ग्रेड लेस दैन इक्वल टू ये है, और इफ़ वी वांट टू रिट्रीव अ नेम बेस्ड ऑन स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब हम इसका किस तरह लिखते हैं, सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि फेल हुए हैं किस कोर्स में, इस वाले कोर्स में, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इन स्टूडेंट आईडी, ठीक है, हम कह रहे हैं कि वेयर स्टूडेंट आईडी इन सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम मार्क्स वेयर कोर्स आईडी इक्वल टू दिस एंड ग्रेड। अब ये मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले करवाएगा, ये मल्टीपल वैल्यूज कौन सी डिस्प्ले कराएगा, जहाँ पे जो है वो कोर्स आईडी जो है वो ये होगा, और मार्क्स जो हैं ग्रेड क्या होंगे, ग्रेटर देन 40 होंगे, ठीक है, तो आप सॉरी लेस देन 40 होंगे।
तो अब ये इनर क्यूरी ये पहले ये एग्जीक्यूट होगी, उन सारे स्टूडेंट की आईडी डिस्प्ले करवा देगी, जैसे 1, 2, 3 जो कि फेल हैं, और उनका आईडी कोर्स का क्या है, CSE 273 आईडी है और वो फेल है, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट आईडी 1, 2, 3, 4 में डिस्प्ले करा दिया। अब 1, 2, 3, 4 डिस्प्ले हो गया, इधर इधर मल्टीपल वैल्यूज आ गए। अब इन ऑपरेटर में क्या है, वो सिलेक्ट करेगा स्टूडेंट नेम फॉर्म स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इन। अब जहाँ जहाँ स्टूडेंट आईडी मैच हो रही होगी इस इन वाली वैल्यूज़ में से, जैसे 1 है 1 भी मैच होगी, 2 है 2 भी मैच होगी, 3 है 3 भी मैच होगी, उन स्टूडेंट्स का नेम डिस्प्ले करवा देगा। अब मुझे आ जाएगा कि अच्छा ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इन 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 ये जो हैं वो ग्रेड जो है वो इनका फेल है, ठीक है, और उनका कोर्स ये है। तो ये क्या कर रहा है, रिट्रीव द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु हैव मार्क्स लेस देन 44। सबसे पहले उसने ये मार्क्स रिट्रीव कर पाए, उसके बाद उन्होंने उन स्टूडेंट्स का नेम डिस्प्ले करा दिया। ये जो आउटर क्यूरी है ये नेम डिस्प्ले करा रही है, जो इनर क्यूरी है वो उन स्टूडेंट्स को रिट्रीव करवा रही है, उनका आई डी रिट्रीव करवा रही है जो कि फेल है, ठीक है। द इन ऑपरेटर विल टेस्ट टू इफ द कस्टमर वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट रिटेन फ्रॉम द सब क्यूरीज। जैसे ये देखें, सब क्यूरी को हमेशा आप पैरेंथीसिस में एम्बेड करेंगे। अब यहाँ पे इन मैं सेलेक्ट डिस्टिंक कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर टी। अब डिस्टिंक क्या क्या है, यूनिक कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी यूनिक क्या होगी, 1, 2, 3 जो रिपीटी वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं होगी, 1, 2, 3, 4। और फिर उसके बाद हम इसमें करेंगे कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टी वेयर, जहाँ अब कस्टमर आईडी यहाँ पे इस वाली से मैच होगी, ठीक है, जो जो मैच हो जाएगी वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। सब क्यूरीज और कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या है कि ये देखें, सिलेक्ट एम्प्लॉय एसएसएन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन, क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 40,000। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो एम्प्लॉय सैलरी डिस्प्ले कराएगा जो कि ग्रेटर देन 40,000 है, वो वाली सैलरी आएगी और वो यहाँ पर आ जाएगी, फिर वो हम कहेंगे कि जो ग्रेटर देन 40,000 है वो वाली सैलरी डिस्प्ले करें। एग्रीगेट फंक्शंस आपके पास कौन से होते हैं, एवरेज सम मिनिमम मैक्सिमम काउंट, या आपके पास एवरेज फंक्शंस हैं जो कि हमेशा एक सिंगल वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं, स्केलर वैल्यू एटॉमिक वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं, इनको आप कैसे यूज़ करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट एम्प्लॉय लास्ट नेम एज एम्प्लॉय लास्ट नेम फर्स्ट नेम एंड सैलरी, ये चीज़ें डिस्प्ले करानी है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वाले टेबल में वेयर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर दैन एवरेज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक सब क्यूरी लगा दी इनर क्यूरी, सबसे पहले वो जब भी ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, सिलेक्ट एवरेज एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय वाले टेबल में एम्प्लॉय सैलरी की एवरेज कैलकुलेट कर लेगी। उसके बाद वो जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर है सिर्फ वो वाली डिस्प्ले कराएगी, जैसे ये 55,000 43,000, अब ये वो वाली सैलरी है जो कि ग्रेटर देन एवरेज सैलरी है। ये क्यूरी है, राइट अ क्यूरी डैट विल लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु इज ओल्डर देन द एवरेज स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी इनर क्यूरी में, ठीक है, और जो आउटर है वो क्या करेगी, ओल्डर कैलकुलेट करेगी। जैसे कि देखें, ये इनर क्यूरी हमने लगा दी सिलेक्ट वाली, ये एवरेज कैलकुलेट करेगी, और ये जो है हमने क्या कह दिया, एज ग्रेटर देन दिस एवरेज सैलरी। तो ये हमारे पास सब क्यूरीज की एग्जांपल्स हैं कि इन ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह से यूज़ होता है, और आपके पास जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स?